प्रिय विद्यार्थियों, RCIHU हब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं सदिशों का संयोजन या सदिशों के संयोजन के नियम, एडिशन ऑफ वेक्टर्स लॉ। तो आज हम यह अध्ययन करेंगे कि जो सदिश होते हैं उनके संयोजन के, उनको जोड़ने के कितने नियम होते हैं। तो इनके संयोजन के मुख्य रूप से तीन नियम होते हैं। अगर हम नियम नंबर एक की बात करें तो नियम फर्स्ट होता है त्रिभुज नियम। हमारा पहला नियम आता है त्रिभुज नियम। तो ये नियम क्या होता है, जैसे हम डायग्राम की बात करें, जैसे माना हम ऐसे कुछ वेक्टर्स लेते हैं, ये माना कोई त्रिभुज है इस तरह से, माना ओ ए बी, ये माना को त्रिभुज है ओ ए बी इस तरह से, ये माना ओए भुजा है। हम ओए भुजा को बी वेक्टर द्वारा दर्शा सकते हैं, ए बी भुजा है इसको क्यू वेक्टर द्वारा दर्शा सकते हैं, ये ओ बी भुजा है इसको हम आर वेक्टर द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये हमने त्रिभुज लिया है ओ ए बी, ये हमने कोई अल्फा कोण ले लिया। अभी हमें त्रिभुज नियम ज्ञात करना है। देखो ये नियम क्या होता है, इसी परिभाषा क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को आप देख पा रहे हैं, इसमें ना ओ ए और ए बी, ये दो भुजा है त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को दो सदिशों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो विपरीत क्रम में, जी हां विपरीत दिशा में त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा, विपरीत दिशा में विपरीत क्रम में त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा या तीसरी भुजा या जो बड़ी भुजा, ये परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है, इसे ही त्रिभुज नियम कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को दो सदिशों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा या त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को दर्शाती है, इसे त्रिभुज नियम कहा जाता है। हम नियम नंबर सेकंड की बात करें, हमारा दूसरा नियम आता है सदिश संयोजन, सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम ये हमारा सेकंड नियम है। इस नियम में क्या होता है, जैसे हम कोई चतुर्भुज लेते हैं इस तरह से माना ओ ए बी सी, और हमने एक चतुर्भुज लिया है और मान ये कोई विकर्ण है जो इनके कटान बिंदु से गुजर रहा है इस तरह से, ये विकर्ण है। मान हम इस भुजा को अगर P वेक्टर द्वारा दर्शाते हैं, अगर ये P वेक्टर है तो ये भी क्या हो गया P वेक्टर, क्योंकि आसन भुजाएं हैं, अगर ये Q वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा Q वेक्टर, ये भुजा हो जाएगी परिणामी भुजा तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसमें आप देख पा रहे हैं, हमने चित्र में बताया कि भाई एक चतुर्भुज है हमारे पास में ओ ओ ए बी सी, हमने इसकी आसन भुजाओं को दो सदिशों द्वारा व्यक्त किया है, जैसे पी वेक्टर है ये क्यू वेक्टर है, तो अगर ये पी तो ये पी हो गया और ये क्यू तो ये भी क्यू वेक्टर हो गया। अब नियम ये कहता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को दो सदिशों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो चतुर्भुज के कटान बिंदु से, जी हाँ आप देख पा रहे हैं ये कटान बिंदु है, ये भी ये वाला और ये वाला, तो चतुर्भुज के कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण है ये विकर्ण ही परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है या दर्शाता है, इसे हम समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। हमारा तीसरा नियम आता है
बहुभुज का नियम, हमने दो नियमों का अध्ययन किया है, हमारा तीसरा नियम आता है बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम, बहु मतलब बहुत सारे भुजाओं वाला बहुभुज नियम। इसमें क्या होता है, हम इसमें बहुत सारे भुजा लेते हैं, जैसे डायग्राम इस तरह से बनेगा, मैंने भुजा ली है इस तरह से, इसमें बहुत सारी भुजा होती हैं और इनको हम सदिशों द्वारा व्यक्त कर देते हैं इस तरह से, माना ओ ए बी सी डी, ये माना कोई बहुभुज है, माना हमने भुजा ओ ए को दर्शाया है पी वेक्टर द्वारा, ये हो गया माना क्यू वेक्टर, और पी क्यू इसको हमने एस दर्शा दिया एस, ये माना हमारा हो गया टी वेक्टर। तो देखो ये जो भुजा होगी ओ बी, ये होगी पी प्लस क्यू वेक्टर, ये हो जाएगी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर, और ये हो जाएगी आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर और प्लस टी वेक्टर। यानी इसकी परिभाषा इस तरह बनेगी कि जब किसी बहुभुज की हम दो से अधिक भुजाओं को दो से अधिक सदिशों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा, बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है, इसी को ही बहुभुज नियम कहा जाता है। आप देख पाए डायग्राम में देखो, अब आप कहोगे सब यहां से बीच में क्या हो रहा है, देखो ये ए जैसे ओ ए बी त्रिभुज है, अपने यहां पे नियम लगाएंगे त्रिभुज नियम, देखो कैसे ओ ए बी में पी प्लस क्यू दोनों को जोड़ देंगे त्रिभुज नियम से, फिर देखो ओ बी सी ये भी त्रिभुज है, तो इसमें ये भुजा प्लस ये भुजा, ये हो जाएगी परिणामी भुजा जो कि पी प्लस क्यू प्लस एस, फिर देखो ओ सी डी ये भी त्रिभुज है, इसमें ये भुजा प्लस ये भुजा, ये हो जाएगी परिणामी भुजा, इसलिए हमें जोड़ दिया पी क्यू एस प्लस में टी। तो इस तरह से इस जो बहुभुज जो अंतिम भुजा होती है वो ही इसके परिणामी सदिश के परिमाण और दिशा को दर्शाती है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।